नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में पुराने वाहनों के साथ कई तरह का फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। ऐसे में कई बार ऐसी खबरें भी आई हैं कि कई मामलों में वाहन का असली या पुराना मालिक ही फंस गया है, क्योंकि गाड़ियों की ओनरशिप या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ट्रांसफर के काम से ही ये जुड़ा हुआ होता है। वाहन ट्रांसफर कराने को लेकर परिवहन विभाग वैसे ही कई नियमों को लागू कर चुका है। इसी बीच परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों के गुजर जाने के बाद वाहनों का ट्रांसफर अनिवार्य रूप से करने का निर्देश जारी कर दिया है। ऐसा नहीं करने पर अब बिना ट्रांसफर करवाए संबंधित व्यक्तियों की तरफ से वाहन चलाते पकड़े जाने पर मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही परिचालन के अयोग्य और विनिष्ट हो चुके वाहनों का निबंधन रद्द कराना होगा। इसको लेकर परिवहन विभाग ने भी दिशा निर्देश जारी कर दिया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल की माने तो विभाग को अलग अलग स्रोतों से जानकारी मिली है कि परिचालन के अयोग्य और विनिष्ट वाहनों के निबंधन संख्या का उपयोग कतिपय वाहनों में किया जा रहा है, जिसका अवैध कार्यों के लिए उपयोग से इनकार नहीं किया जा सकता। इस दौरान ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि परिचालन के अयोग्य और विनिष्ट हो चुके वाहन का निबंधन रद्द कराने का आदेश जारी किया गया। साथ ही सभी लोगों से क्रय में अर्जित अथवा बिक्री किए गए वाहन का स्वामित्व अंतरण कराने का निर्देश भी दिया गया है, क्योंकि अब बिना स्वामित्व अंतरण के परिचालित किए गए वाहनों का किसी भी अवैध काम में संलिप्त पाया जाता है तो निबंधन प्रमाण पत्र में दर्ज वाहन स्वामी पर कार्रवाई की जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि जिस व्यक्ति के नाम से वाहन पंजीकृत है और उसी की जान चली जाए और किसी सार्वजनिक नीलामी में क्रय किए गए वाहनों के स्वामित्व का हस्तांतरण अनिवार्य है, बिना ना स्थानांतरित करवाए वाहनों का परिचालन मोटरयान अधिनियम नियमावली के अनुसार दंडनीय बताया गया है। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के तहत परिचालन के अयोग्य अथवा विनिष्ट हो चुके वाहन का निबंधन रद्द करवाने के लिए ही संबंधित निबंधन प्राधिकार के सामने विहित प्रक्रिया के अनुसार ही निबंधन रद्द करवा सकते हैं। वाहनों के परिचालन के लिए आवश्यक है कि वाहन के सभी कागजात, प्रदूषण प्रमाण पत्र, बीमा दुरुस्ती प्रमाण पत्र, परमिट पत्र और शुल्क अद्यतन हो। सभी कागजातों के अद्यतन नहीं होने की स्थिति में वाहन का परिचालन नियम के प्रतिकूल है और मोटर वाहन अधिनियम के धाराओं में ये दंडनीय बताया गया है, जिसके बाद ही अब अगर आपने भी अपनी गाड़ी किसी को दी है तो ओनरशिप भी जरूर दे दे, वरना आपको भी लेने के देने पड़ सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।